क्यों में किसी के भी कंप्यूटर वेबसाइट नेटवर्क को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। किसी की भी बिना आज्ञा के उसके कंप्यूटर वेबसाइट नेटवर्क को हैक करना गैरकानूनी है और मैं ऐसे कार्यों का प्रोत्साहन नहीं करता हूं। ध्यान दें कि इस वीडियो में मैंने अपने नेटवर्क अपने लोकल वाईफाई के ऊपर अटैक किया है जो कि गैरकानूनी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य है कि मैं आपको इंटरनेट सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के बारे में बता पाऊं जो कि पूरी दुनिया में लीगल है। आज हम बात करेंगे डॉक्सिंग के बारे में कि डॉक्सिंग क्या होता है और कैसे एक ब्लैक हैट हैकर और एक वाइट हैट हैकर इसे इस्तेमाल करता है। दोनों ही तरीके के हैकर्स इस चीज को इस्तेमाल करते हैं हैक करने से पहले या हैक करने के बाद। पहले हम समझते हैं कि डॉक्सिंग क्या होता है। डॉक्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे आप किसी भी बिजनेस की, किसी पर्सन की, किसी इंसान के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर गैदर कर सकते हो। ये एक तरीके की फुटप्रिंटिंग ही कहेंगे, आप इसे फुटप्रिंटिंग भी कह सकते हो, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर इंसान पे होती है। किसी अगर कंपनी की या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप करें तो उसे फुटप्रिंटिंग कहा जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सब उसकी एक्टिविटीज ट्रेस करना। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल के करना चाहते हैं, आप किसी एक हैकर को पकड़ना चाहते हो, या तो कोई ब्लैक हैट हैकर डॉक्सिंग तब करता है जब वो किसी को अटैक करना चाहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, और वाइट हैट हैकर डॉक्सिंग तब करता है जब वो किसी ब्लैक हैट हैकर को पकड़ना चाहता है, किसी ऐसे हैकर को पकड़ना चाहता है जिसकी नॉलेज कम है। हर कोई इतना स्मार्ट नहीं होता है हैकिंग की फील्ड में। कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेसेस जरूर छोड़ते हैं। वो बोलते हैं ना, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक निशान जरूर छोड़ जाता है। यही केस हैकिंग में भी होता है। कितने से बड़ा हैकर हो, वो एक निशानी जरूर छोड़ जाता है। और अगर कोई बिगिनर हैकर है, कोई नया अभी सीखा हुआ हैकर है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कुछ ट्रेसेस छोड़ दे जिसके जरिए आप उसे पकड़ सकें। अगर उसकी आईपी आपके हाथ लग जाए तब तो आप बहुत इजीली पकड़ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी आईपी हाइड करके रखता है, बस ईमेल आईडी दिखता है, या वो भी नहीं, सिर्फ यूजर नेम दिखता है। अब सिर्फ एक यूजर नेम से आप किसी को कैसे पकड़ेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। यहां पर मेरे ये चीज सिखाने का मकसद है कि आप किसी ब्लैक हैट हैकर को पकड़ सकें, किसी क्रिमिनल को पकड़ सकें जिसने शायद आपके साथ धोखा किया है, या किसी आपके परिवार वाले के साथ धोखा किया है, या आपके किसी क्लाइंट के साथ धोखा किया है। ये चीजें जो साइबर सेल वाले होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके दो एस्पेक्ट है, इसके खराब एस्पेक्ट भी है कि आप किसी की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, और इसके अच्छे एस्पेक्ट भी है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी बुरे इंसान को आप पकड़ सकते हैं और पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करके। जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है। हम फेसबुक पर प्रोफाइल बनाते हैं, तरह तरह की वेबसाइट्स पर हम रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो अब इंसानी दिमाग तो इंसानी दिमाग ही होता है, वो हर जगह पर अलग यूजर नेम यूज नहीं करता। एक सर्वे हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में जहां पर यह बताया गया था कि एक औसतन इंसान 50-60% अपना सेम यूजर नेम ज्यादातर वेबसाइट्स पर यूज करता है। अब चाहे हैकर हो चाहे नॉर्मल यूजर हो, दिमाग इंसानी दिमाग कुछ सेम ही चलता है, और इस ऐसे ही करके हम यूजर नेम से या ईमेल आईडी से किसी इंसान को ऑनलाइन पकड़ सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको डॉक्सिंग के बारे में बता दिया क्या होता है डॉक्सिंग। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ब्राउजर खुला हुआ है मेरा, और एक वेबसाइट खुली हुई है drizzybot.com। Drizzy का एक सॉफ्टवेयर भी आता था पहले, आजकल वो नहीं मिलता है, काम नहीं करता है। तो ये जो डेवलपर है Drizzy, इसने अपनी जो सर्विसेज है अपनी वेबसाइट्स पर देना शुरू कर दिया है। तो ये एक वेबसाइट उसकी खुली हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डॉक्स सर्विसेज, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर मैं खुद की डॉक्सिंग करूंगा। आप नोट कर लीजिए इस वेबसाइट का नाम drizzybot.com, ठीक है। तो आज मैं खुद की ही डॉक्सिंग करूंगा। तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहां पर डाल के देखता हूं कि क्या इंफॉर्मेशन मैं गेन कर पाता हूं, ठीक है। जैसे मान के चलिए sagarwebsol@gmail.com, ये मान के चलते हैं कि मैं एक हैकर हूं और मेरी ईमेल आईडी किसी के हाथ लगी है और वो मेरी डॉक्सिंग करना चाहता है, मेरे बारे में और ज्यादा जानना चाहता है। तो हम यहाँ पर डॉक्स बटन दबा देंगे। अब ये यहाँ पर डॉक्सिंग हो चुकी है, और क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड होगी। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हुई। अब ये मेरी ईमेल आईडी इंटरनेट पर जहां भी है उसकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर ज्यादातर यूट्यूब है, मतलब मैं यूट्यूबर हूँ एक, मेरे बारे में ये लोग जान पाएंगे कि मैं यूट्यूबर हूँ। फेसबुक पर देखिए, सागर वेब सॉल्यूशन मेरा पेज है, वहां पर मेरी ईमेल आईडी यूज हुई है।
तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखिए, हाउ टू मेक बूटेबल यूएसबी ड्राइव इन दी उर्दू, देखिए तो इससे पता चल पाएगा कि ये ईमेल आईडी इंटरनेट पर और कहां कहां यूज हुई है, तो इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि ये इंसान क्या करता है, राइट? आपको आइडिया लग गया? ऐसे ही देखिए, इंक्रीज ट्विटर फॉलोअर्स, व्हाट इज टॉरेंट, टेक्निकल सागर डॉट इन, चलिए एक लीड और मिल गई कि मेरी ये वेबसाइट है। ऐसे ही आप अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग चीजें पता कर सकते हैं किसी एक इंसान के बारे में। और तो चलिए फिर और कुछ करके देखते हैं, किसी और की मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी यूज करके देखता हूँ। खैर उसकी जरूरत तो नहीं है, आप खुद ही अपनी ईमेल आईडी डालकर भी अपने बारे में जान सकते हैं, या आप किसी परिवार वाले की ईमेल आईडी डालकर ये चेक कर सकते हैं कि वो उसका फेसबुक आईडी क्या है, वो कहाँ कहाँ एक्टिव है, कौन सी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करता है। तो ये चीज भी आप पता लगा सकते हैं, अपने घर में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ। तो ये इलीगल भी है और लीगल भी है। अगर आप इसको अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये लीगल है, गलत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत है, इलीगल है। ये तो आग की तरह है, आग से आप किसी का घर भी जला सकते हैं, आग से आप खाना पकाकर भी खा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इस नॉलेज को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।